मैक दो की शुरुआत में हम 7 करोड़ साल पहले का समय देखते हैं, जहां कुछ मांसाहारी जानवर भोजन कर रहे थे कि तभी यहां एक बड़ा सा भीमसर्ट आकर इन पर हमला कर देता है। लेकिन तभी समुद्र से एक 90 फीट की मैग मछली निकलकर इस भीमसर्ट को चबा जाती है। फिर हम करोड़ों साल बाद इंसानों की दुनिया देखते हैं। दोस्तों, मूवी की पूरी कहानी समझने के लिए पहले आपको मैग एक देखनी चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर यहाँ पर एक जल जहाज में मौजूद एक कंटेनर में जोनस नाम के एक बंदे को छिपा हुआ देखते हैं। ये यहाँ इसलिए छिपा हुआ था क्योंकि जल जहाज वाले गैरकानूनी तरीके से में रेडियो एक्टिव मटेरियल गेर रहे थे, जो कि समुद्र के लिए काफी खतरनाक होता है। इसलिए जोनस इनके खिलाफ यहाँ सबूत इकट्ठा करने आया था। ये चुपके से इन सभी की रेडियो एक्टिव मटेरियल गिराते हुए की और इनके दस्तावेजों की तस्वीर ले लेता है। लेकिन ऐसा करते इसको एक बंदा देख लेता है, तब ऐसे में ये जल जहाज वाले इसे मारने के लिए इसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन जोनस समुद्र में कूद जाता है, तब जल जहाज का कप्तान इससे कहता है कि आखिर तू कब तक तैरेगा, क्योंकि यहाँ से सबसे नजदीकी जमीन 322 किलोमीटर दूर है। लेकिन जोनस इसका भी इंतजाम करके आया था, कुछ ही समय बाद इसके साथ ही इसे यहाँ लेने आ जाते हैं। फिर जोनस हवाई जहाज से समुन्दर संस्थान पर आ जाता है। यहाँ पर हम मीन के मामा जैंग को देखते हैं। जैंग ने तैरने के लिए एक ऐसी मजबूत पोशाक बनाई होती है जिसे पहनकर समुन्दर के तल तक जाया जा सकता है। आज इनके समुद्र संस्थान में हिलरी नाम की निवेशकर्ता आई थी, जिसने जैंग के समुद्र संस्थान में निवेश किया हुआ था। हमें यहाँ जैंग के भाषण से पता चलता है कि इसकी बहन स्वीन की मौत हो चुकी है और अब जैंग अपने पिता मॉरिस की जगह काम कर रहा है। जैंग ने अपने समुद्र संस्थान में एक मैग मछली पाली हुई थी जिसका नाम हाईजी होता है। इन्होंने हाईजी को इसके बचपन से ही ट्रेन किया हुआ था। हाईजी के ऊपर संशोधन करके इन्होंने समुद्र के 6 किलोमीटर से भी नीचे तल तक जाने वाली सबमरीन बनाई थी। इसके बाद जैंग हाईजी को आजमाने के लिए पानी में घुस जाता है, लेकिन जोनस इसे वापस आने को कहता है। तब जैंग कहता है कि एक बार बटन दबाने से हाईजी आएगी और दूसरी बार दबाने से जाएगी, और होता भी कुछ ऐसा ही है। पहले तो हाईजी जैंग की मान जाती है, लेकिन जब हाईजी दूसरी बार घूमकर वापस आती है तो ये अब जैंग पर हमला करने के विचार में थी, लेकिन उससे पहले ही जैंग वापस आ जाता है। फिर ये सभी इस समुद्र संस्थान से अपने पहले वाले समुद्र संशोधन स्टेशन जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हाईजी इनके जाने पर संस्थान की लोहे की दीवार तोड़कर समुद्र में आजाद हो जाती है। इधर संशोधन स्टेशन पर जोनस और जैंग अपनी अपनी सबमरीन को तैयार करके समुन्दर के तल की ओर गहराई में जाने लगते हैं, और इधर स्टेशन पर डीजे और जेस सारी व्यवस्था संभाल रहे थे। जैंग और जोनस आज समुद्र में नई नई जगहों को खोजने वाले थे, तभी इन सबको पता चलता है कि मीन छुपके से इनकी सबमरीन में आ गई है। ऐसे में जोनस वापस चलने को कहता है, लेकिन तभी ये रडा में हाईजी को तेजी से अपनी ओर आते देखते हैं। इससे पहले कि हाईजी इन पर हमला करती, उससे पहले ही ये सभी तेजी से थमोक लाइन परत को पार कर लेते हैं, और अब ये सभी समुन्दर के तल पर एक और मेघ को देखते हैं जो बाकी 90 फीट की मेघ से भी बड़ी थी। इसे देख ये लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मेघ इन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर ये सभी अपना काम जारी करते हैं, और आज इनको समुन्दर के तल पर संशोधन करते समय यहाँ एक जगह पर किसी का गुप्त स्टेशन मिलता है। जांच करने पर जैंग को पता चलता है कि इस स्टेशन में काफी हलचल हो रही है। तभी हम इस स्टेशन के अधिकारी को देखते हैं जिसका नाम मोंटिस होता है। मोंटिस के कर्मचारी समुद्र के तल पर धमाके के लिए लैंडमाइंस लगा रहे थे, लेकिन जब मोंटिस जैंग और जोनस की सबमरीन को अपनी तरफ आते देखता है तो ये कर्मचारियों के आने से पहले ही धमाका कर देता है, जिसमें इसके सारे कर्मचारी तो मारे जाते ही है, साथ ही पत्थरों की बारिश भी होने लगती है। इसी बीच मेघ मोंटिस की सबमरीन पर हमला कर देती, जिससे ये खराब हो जाती है। इधर जैंग और जोनस की सबमरीन पत्थर से टकराने पर ठप पड़ जाती है। तब जोनस मदद के लिए स्टेशन पर जेम्स से बचाव पोत भिजवाने को कहता है, लेकिन स्टेशन पर एक लौती बचाव पोत किसी ने जानबूझकर खराब कर दी थी। तब ऐसे में जोनस और बाकी सभी समुद्र के तल पर उसी स्टेशन में जाने की योजना बनाते हैं। फिर ये सभी जैंग की बनाई पोशाक पहनकर स्टेशन की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में ये समुद्र के तल की अद्भुत सुंदरता को भी देखते हैं, लेकिन अब इनको अंदाजा भी नहीं था कि इनके साथ क्या होने वाला है। जब ये सभी स्टेशन के पास पहुंचते हैं तो इनके ऊपर कुछ फुर्तीले खतरनाक जीव हमला कर देते हैं। ये वही भीमसर्ट के जमाने वाले जीव थे जो आज भी समुद्र के तल में जिंदा थे। तभी इनकी एक साथी की पोशाक के कांच पर एक जीव हमला कर देता है, जिससे इसके कांच में दरार आ जाती है। लेकिन तभी ये जीव यहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेघ आने लगती थी। ऐसे में जैंग तुरंत जाकर स्टेशन का दरवाजा खोलता है, और फिर ये सभी मेघ का चारा बनने से बच जाते हैं। लेकिन पानी के दबाव से इनकी साथी का कांच टूटकर सर के परखच्चे हो जाते हैं, जिससे ये मारी जाती है।
इस स्टेशन के अंदर जाने पर जैंग को यहाँ बहुत से दुर्लभ पदार्थ मिलते हैं जिनकी कीमत अरबों में होती है। वे सभी कर्मचारी यहाँ पर गैरकानूनी तरीके से पदार्थों की खुदाई कर रहे थे। वहीं स्टेशन पर जेम्स को सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि बचाव पोत को जेस ने खराब किया था, यानी जेस ही गद्दार है। इधर नीचे स्टेशन पर इन सभी को एक कमरे में 3 इमरजेंसी कैप्सूल मिलते हैं, तभी यहाँ के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये सब जेस ने ही किया था। जेस हिलरी के साथ मिली हुई थी। ये दोनों मिलकर गद्दारी से जैंग के सारे धंधे को कब्जाना चाहती हैं। जेस इनको मारने के लिए इस कमरे में पानी चालू कर देती है, लेकिन जोनस अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कैप्सूल में बैठकर बाहर निकल जाता है और वापस स्टेशन के दरवाजे से अंदर आ जाता है। फिर ये बाहर से दरवाजा खोलकर सभी को डूबने से बचा लेता है। इन सभी को यहाँ पर एक सबमरीन भी मिल जाती है जिसमें ये सभी बैठकर बाहर आने लगते हैं, और तब ये देखते हैं कि थर्मोक्लाइम परत में धमाके से एक बड़ा सा छेद हो चुका जिसको भरने में 1 घंटा लगेगा। इधर स्टेशन पर अब तक मोंटिस भी पहुंच चुका था। ये भी हिलरी के साथ ही मिला हुआ था, वही समुद्र में गैरकानूनी खुदाई करा रही थी। मोंटिस जब जेस के साथ स्टेशन के कांच वाले कमरे में होती है तो तभी यहाँ सबसे बड़ी मेघ आकर कांच तोड़कर जेस को खा जाती है। तब तुरंत ही मोंटिस अपनी जान बचाकर बाहर भागता है। अब तक 3 मेघ थर्मोक्लाइन से बाहर निकल चुकी थी। इधर स्टेशन पर अब तक जोनस और बाकी सभी पहुंच चुके थे। ये सभी सावधानी से स्टेशन से डीजे और जेम्स को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं कि तभी मोंटिस के आदमी भी इनके पीछे आने लगते हैं, लेकिन मेघ इन पर हमला करके इन्हें नाव के साथ ही निगल जाती है। फिर ये सभी मौके पर ही अपनी नाव लेकर पास ही के द्वीप पर आ जाते हैं, लेकिन अब तक यहाँ पर हिलरी और मोंटिस के साथ इसके सैनिक भी पहुँच चुके थे। तभी यहाँ इनके सैनिकों पर भी वही खतरनाक जीव हमला कर देते हैं। ये सभी भी थर्मोक्लाइन से बाहर आ गए थे। हिलरी इनसे बचने के लिए अपने हेलीकॉप्टर में छिप जाती है, लेकिन ये दूसरा दरवाजा बंद करना भूल गई और तब एक जीव घुसकर इस पर हमला करके इसे अपने साथ खींचकर ले जाता है। इधर ये मेघ इंसानों के लिए अब खतरा बन चुकी थी, इसलिए जोनस लोहे की रोड पर बॉम्ब लगाकर मेघ को मारने निकल जाता है, और ये एक मेघ को लोहे की रोड से मार भी डालता है, लेकिन दूसरी मेघ जोनस पर हमला करने की कोशिश करती है और संकल में उलझ जाती है। तभी यहाँ पर मोंटिस भी आ जाता है। ये जोनस पर गोली मारने ही वाला था, लेकिन जोनस इसको लात मारकर मेघ की ओर फेंक देता है। तब तुरंत ही मेघ आकर इसे चबड़ जाती है। इधर द्वीप के किनारे एक खतरनाक स्क्विड भी थर्मोक्लाइन से बाहर आ चुका था। इसने अपने कई हाथों से कब से तहलका मचाया हुआ था। वहीं दूसरी ओर द्वीप पर जैंग और जेम्स जीवों से छिपते हुए हिलरी का हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ से भागने लगते हैं। जाते जाते इन्होंने तेल के टैंक को भी उड़ा दिया था, जिससे काफी सारे खतरनाक जीव मारे जाते हैं, लेकिन उड़ते समय स्क्विड इनके हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है, जिससे संतुलन बिगड़कर ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इधर मेघ को काफी भूख लगी थी, इसलिए ये इस स्क्विड को भी नहीं छोड़ती। दूसरी ओर मेघ को मारने के लिए जोनस को कमाल का विचार आता है। ये हेलीकॉप्टर के मलबे के पास जाकर इसकी पंखुड़ी उठाकर पानी के ऊपर मारने लगता है, जिससे मेघ जोनस की तरफ आने लगती है, और तब जोनस मौके पर ही पंखुड़ी को मेघ के आर पार कर देता है, जिससे मेघ की तुरंत ही मौत हो जाती है। ये तीसरी मेघ यानी हाइजी को भी यहाँ देखते हैं, लेकिन ये इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाते क्योंकि ये दूसरी मेघ की तरह हमला नहीं कर रही थी, ये एक शांत मेघ थी। इधर द्वीप पर डीजे आखिरी बचे हुए खतरनाक जीव को भी मार डालता है। फिर जोनस और बाकी सभी वापस जमीन पर अपने साथियों के पास आ जाते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही समाप्त हो जाती है।